मोदी सरकार ने विश्वसनीयता खोई, बयान भाजपा के खिलाफ पवार। शरद पवार ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा खो दिया है और देश में भाजपा के खिलाफ हवा बह रही है। बीते साल नवंबर दिसंबर में संपन्न राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इन राज्यों में भाजपा 10 सालों से सत्ता में थी और कोई भी पार्टी की पराजय का अनुमान नहीं लगा सका था। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद इन राज्यों में ध्यान केंद्रित करके धुआंधार प्रचार किया, अंत में परिणाम क्या निकला, यह साफ है कि देश विशेषकर देहांत क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ हवा बह रही है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को केंद्र से कृषि से जुड़े तनावों, किसानों को आत्महत्या और खेती के दूसरे संकटों को लेकर केंद्र से नाराज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन किसान अभी भी इसके इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2015 से 6 मार्च 2018 तक 11,998 किसानों ने आत्महत्या कर ली। यह क्षेत्र में भाजपा सेना सरकार की पूर्ण असफलता है। उन्होंने कहा कि मोदी 2014 के चुनाव प्रचार में कहा था कि विदेश खातों में जमा काला धन वापस लेकर आएंगे और उसे लोगों के खातों में जमा करने के लिए, लेकिन लोग अभी भी अब तक इंतजार कर रहे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।